अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, जैसे कि इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई हैं, मुख्तलिफ जो फ़िरक़े हैं इस्लाम में उनके मुतालिक हमने कई सारी वीडियोस बनाई कि सुन्नी किसे कहते हैं, अहले हदीस यानी वहाबी किसे कहते हैं, देवबंदी किसे कहते हैं और तबलीगी जमात किसे कहते हैं, उसके बाद जमात इस्लामी किसे कहते हैं। इस तरह की कई सारी वीडियोस हमने बनाई जो हमारे इसी चैनल मोहम्मदी चैनल पर मौजूद है। आप में से अगर कोई उन वीडियोस को देखना चाहे तो ज़रूर जाकर देखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जानेंगे कि अहले कुरान, अहले हदीस के बारे में तो आपने जाना कि अहले हदीस किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे कि अहले कुरान किसे कहते हैं और उनका अकीदा क्या है। हज़रात मोहतरम, अहले कुरान एक मुर्तद और गुमराह फ़िरका है। हज़रत मोहतरम, इस फ़िरका अभी तक हमने इससे पहले जो जितने भी फ़िरकों के बारे में बताया उसमें से ये एक ऐसा फ़िरका है कि ये मुर्तद हो चुका है और मुर्तद ही और गुमराह फ़िरका है। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का ये मुनकिर है, यहाँ तक के तमाम अहादीस को सराहतन बातिल और मर्दूद और नाकाबिले अमल बताता है, इसीलिए इसने अपना नाम अहले कुरान रखा। जितने भी अहादीस हैं, अहले हदीस लोग तो हदीस को बज़ाहिर मानते हैं और वो लोग अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, लेकिन ये तो हदीसों को भी नहीं मानता ये फ़िरका, और ऐसा गुमराह है कि सारी की सारी हदीसों को बातिल करार देता है और नाकाबिले अमल बताता है कि ये सब अमल के काबिल नहीं है। सिर्फ़ कुरान मजीद की इत्तबा का ही दावा रखता है कि सिर्फ़ कुरान मजीद की इत्तबा की जाए जो कि अल्लाह की किताब है, उसके अलावा किसी भी शय कोई भी चीज़ पर अमल करना ज़रूरी नहीं, ये सब के सब बातिल है। और अब हम जानेंगे कि आखिर इस फ़िरके का बानी यानी इस फ़िरके का फाउंडर आखिर कौन है। हज़रत मोहतरम, इस फ़िरके का जो बानी है वो अब्दुल्ला चकड़ालवी है, जिसने अपनी जमात के लिए एक नई नमाज गढ़ी। इसकी नमाज भी हम लोगों की नमाज की तरह नहीं, हम लोगों की नमाज 5 वक्त हम लोग रोज़ पढ़ते हैं नमाज, लेकिन इसकी जो नमाज है, इसकी जो इसने जो अपनी जमात गढ़ी है अहले कुरान, इसकी नमाज में सिर्फ और सिर्फ 3 वक्त की नमाज है, रातों दिन में सिर्फ 3 वक्त। इसने अपनी जमात के लिए एक नई नमाज गढ़ी जो अहले इस्लाम की नमाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, रातों दिन में सिर्फ 3 वक्त की नमाज और हर वक्त में फ़कत 2 ही रकातें, बहुत ज़्यादा नहीं कि हम लोगों में फजर में 4 या के बाद दीगरे अलग अलग रकातें हैं, लेकिन इसकी सारी की सारी नमाजों में जो 3 नमाजें हैं वो सब में सिर्फ 2 ही रकात हैं, फ़कत 2 ही रकात उन। और अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जानेंगे कि आखिर इस फ़िरका यानी इस अहले कुरान जो फ़िरका है इसका अकीदा क्या है। हज़रत मोहतरम, इनका अकीदा ये है कि मुसलमानों की मौजूदा नमाजें जो हैं ये कुरान और हदीस के कुरान के मुताबिक नहीं हैं, यानी हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं ये कुरान के मुताबिक नहीं, सिर्फ़ कुरान की सिखाई हुई नमाज ही पढ़नी फ़र्ज है, उसके अलावा कोई और नमाज पढ़नी कुफ्र और शिर्क है। इनका अकीदा ये कि अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो वो शिर्क और कुफ्र अदा कर रहा है, क्योंकि कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 ही वक्त की नमाज़ बताई हैं, ये सब जो 5 वक्त की है ये सब गढ़ ली गई हैं, हकीकत में ये सब नमाज़ें नहीं हैं, और अगर कोई इन नमाज़ों को अदा करता है तो कुफ्र और शिर्क वो कर रहा है। मज़ीद इनका एक अकीदा और भी है और वो ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी नबी या रसूल से अफजल है ही नहीं। हज़रात मोहतरम, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 18,000 आलम में 1,000 मखलूक़ात पैदा की और इस 1,000 मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे अफजल मखलूक पैदा फरमाई वो इंसान को बनाया, और इंसानों में जो सबसे अफजल मखलूक पैदा फरमाई वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हुई सारी दुनिया के इंसानों की, फिर इसमें जो ख़ास सबसे ख़ास यानी अंबियाए किराम हैं उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़ज़ीलत दी कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम के तमाम अंबियाओं रसूल में सबसे अफजल इनको बनाया है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। अगर हम इनके मुताबिक हमारा ईमान नहीं रहेगा, अगर हमारा इन अकायद के मुतालिक जो मैंने अभी ज़िक्र किया इसके मुताबिक अगर हमारा अकीदा नहीं रहेगा तो यकीनन हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे और उसके बाद हमारा ठिकाना जहन्नम रहेगा। तो ये हमारा ईमान और यकीन है कि हमारे
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी, हमारे रसूल, हमारे दिलो जान हैं, वो तमाम के तमाम अंबिया से अफजल हैं। सारे के सारे अंबिया उनके बाद हैं, वो सारे नबियों से अफजल हैं। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहली शय अल्लाह ने पैदा फरमाई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। हज़रत मोहतरम, ये अभी बातें हमने जो जानी, ये अहले कुरान फ़िरके के बारे में हमने जाना और उनके अकीदे के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।